हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा'स हाइव। आज डिनर में क्या बनाए? दिस इज वन क्वेश्चन दैट अर्क्स और बॉदर्स एवरी वन ऑफ अस एवरी डे। व्हाई? बिकॉज डिनर ही एक ऐसा मील ऑफ द डे है वेर इन वी वॉन्ट टू अवॉइड कार्ब्स, वी जस्ट डोंट वॉन्ट टू ईट समथिंग वेरी ऑयली, एंड अबव ऑल वी वॉन्ट समथिंग दैट विल एड इन आर वेट लॉस। So I am going to tell you a super recipe which is going to fit the bill. So here I go and give my soya chunks some attitude. We are going to make soya chunks in veggies. Let's get started. Hello everyone, I'm Dr. Pooja. I've been a professor of marketing for to radiate this energy to a larger audience. So we take 100 grams of soya chunks and we soak them in hot water for approximately 10 to 15 minutes. और इसको आप cover करके रख दीजिए, so that जितनी भी steam होगी वो अंदर ही रहेगी और 15 minutes में they will become soft. उसके बाद I'll tell you what to do. जब तक soya chunks soak हो रहे हैं तब तक we'll cut the vegetables. So सबसे पहले we'll take a medium sized onion, उसको हम सारी vegetables को हम cubes में cut करेंगे. We'll cut it into cubes. ये ऐसे आपको इतना बड़ा बड़ा cubes cut करने हैं, like this. ये अपने आप separate हो जाएंगे जब आप इनको wok में डालेंगे. Next is a tomato. This also I'm going to cut in cubes. Next is thoda broccoli ke florets I'm going to take. आप ऐसे इसको तोड़ लीजिए अपने हाथ से. और एक टिप बताती हूँ आपको, how to keep your broccoli fresh and green is you put it in a glass filled with water and put this in the fridge. तो आपकी ब्रोकली काफी दिनों तक फ्रेश रहेगी. आई नीड सम बेल पेपर्स डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर इज अवेलेबल इन योर फ्रिज. सो हियर आई एम गोइंग टू डाइस माय बेल पेपर्स. बेल पेपर्स को भी वी डाइस देम इन क्यूब्स. आई प्रेफर देम इन क्यूब्स. आपको अगर इनको लंबे स्ट्रिप्स में काटना तो आप काट लीजिए. आफ्टर सोकिंग यू नीड टू ड्रेन आउट द होल वाटर फ्रॉम द न्यूट्री नगेट्स एंड दे विल बिकम लाइक दिस सॉफ्ट. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग आवर डिश. वी टेक सम ऑयल. अगेन आई एम यूजिंग रेप सीड. यू कैन यूज ऑलिव ऑयल, नॉट मच, टेबल स्पून ऑफ ऑयल. और इसके अंदर आई एम गोइंग टू थ्रो इन द अनियंस. इसमें क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको जल्दी जल्दी ही सब कुछ करना है. सोया चंक्स आर लोडेड विथ प्रोटीन्स एंड लॉट्स ऑफ फाइबर. यू कैन इमेजिन इन दिस 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स देर अप्रोक्सीमेटली ओनली 345 कैलोरीज. सो इमेजिन कि कितने ज़्यादा अच्छे हैं हमारे लिए. एंड देन दे विल नॉट ऐड टू एनी शुगर और सोडियम इन द बॉडी एंड दैट इज़ वाई दे रियली एड इन द वेट लॉस. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. इफ यू आर गोइंग टू ईट दिस बट यू डोंट हैव टू ईट दम एवरी डे, यू ईट दम ऑन ऑल्टरनेट डेज एंड यू सी द डिफरेंस. अच्छा, बहुत हो गई बातें. सो नाउ प्याज होने के बाद आई हैव टू थ्रो इन द ब्रोकली. इसको टेस्ट भी रहने लीजिए. ये सारी वेजिटेबल्स को हमको तेज तेज चलाना बिकॉज आई वॉन्ट द क्रंच टू बी देयर इन द वेजिटेबल. नेक्स्ट गोज इन द टोमेटोस. कीप ऑन स्टिरिंग. इतने लेवल तक ही हमको टोमेटोस को स्टर करना है. उसके बाद वी विल पुश इन द बेल पेपर्स.
सारी वेजिटेबल्स को जल्दी जल्दी चलाना है बिकॉज अदरवाइज वो थोड़ा विल्ट हो जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सीजनिंग। सबसे पहले आई एम गोइंग टू पुट सॉल्ट, देन आई एम गोइंग टू पुट सम चिली फ्लेक्स एंड नाउ द शो स्टॉपर्स आर basil leaves. So you can take in 10-15 patte, aap jitna bhi, depending on how much you want. I prefer this to be loaded with my basil leaves because it gives a beautiful aroma to the recipe. Aur agar aapke paas basil leaves nahi hai to aap koi bhi aur leaves dal dijiye. Thoda sa thyme, if you have it in your kitchen. I love it. Now keep on stirring. Last में हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर, that is mango powder. 1 teaspoon. थोड़ा सा उसको टैंगी फ्लेवर देने के लिए। फाइनली आर चंक्स, इसको थोड़ी देर तक स्टर करती रहे ताकि अच्छे से ये पूरे में इसके ऊपर चंक्स के ऊपर कोट हो जाए। अगर आपको सीजनिंग थोड़ी ज़्यादा करनी है, यू फील दैट इट इज़ लिटिल ब्लैंड डिपेंडिंग अपॉन एवरीबडीज टेस्ट, यू कैन कीप ऑन एडिंग अ लिटिल मोर चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा अमचूर, वॉट एवर, तो आप अपने हिसाब से उसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। एंड सोया सॉस आपकी ऑप्शनल है, विच एवर, आई मीन इफ यू वॉन्ट टू पुट यू कैन पुट, इफ यू डोंट वॉन्ट टू पुट यू डोंट पुट। एक स्पून ऑफ सोया सॉस, इट्स डन एंड नाउ इट्स टाइम टू प्लेट। So here we go. Stay tuned and watch for my upcoming video. And don't forget to like, share my video and subscribe if you haven't. See you.